सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आपको पता ही होगा कि 10 साल हो गए हैं इस चीज को और आज फाइनली ये सपना पूरा हो चुका है। अगर आप फॉलो करते हो रॉकस्टार के पेज को इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, तो आपको सुनने में आ गया होगा कि फाइनली GTA 6 लॉन्च होने वाला है। और जब मैं आपको ये न्यूज बता रहा हूँ और जब मैंने पढ़ी तो लिटरली मेरे को गूज बम्प्स हो गए थे एकदम से, जाने की GTA 6 फाइनली रिलीज होने वाला है। जब GTA 5 आया था आज से 10 साल पहले तो काफी लोग एक्साइटेड थे, क्योंकि ये तब का 10 साल पुराना एक ऐसा गेम था जो कि 2013 में आया था। बेस्ट ग्राफिक्स और लोगों की लाइफ पे डिपेंड करता है, जो लोग असली में करना चाहते हैं, लोग करना चाहते थे, उसी पे ये गेम बना था पूरा का पूरा। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, इस गेम में आप हर वो चीज कर सकते थे जो आप एक रियल लाइफ में करना चाहते हो। अमीर गरीब, गन्स कल्चर, सब कुछ था इस गेम में। इस गेम ने बहुत ही हार्ड वर्क किया है और इनके ओनर्स ने जिन्हें बनाया है इनको काफी तकलीफें झेली, और उसके बाद आपको GTA 5 देखने को मिलती है आज भी, क्योंकि रॉकस्टार के ऊपर काफी केस चल रहे थे। आपको पता होगा काफी केस चलते रहते हैं, कोई ना कोई दिक्कतें होती रहती है, क्योंकि ये गेम ही ऐसी था। लेकिन लोगों को इतना पसंद आया गेम, ये इस GTA 5 ने इतने पैसे कमाए, आपको बता दूं मैं, बहुत सारी इसकी कॉपीज बिकी, बहुत सारा वगैरह कुछ हुआ। लेकिन फाइनली आज वो दिन आ चुका है दोस्तों, आज GTA ने अनाउंस कर दिया अपनी GTA 6 की गेम, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो GTA ने ट्वीट किया था जहां पे लिखा है वी आर वेरी एक्साइटेड टू लेट यू नो दैट इन अर्ली दिसंबर वी विल रिलीज द फर्स्ट ट्रेलर फॉर द नेक्स्ट ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, यानी कि नेक्स्ट ग्रैंड थेफ्ट ऑटो जो कि GTA आने वाली है, GTA 6 आने वाली है, उसका ट्रेलर आपको दिसंबर की अर्ली है, यानी कि मेरे को लग रहा है कि फर्स्ट वीक में दिसंबर के एंड जहां की 7 और 12 के पहले पहले आपको इसका ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। दिसंबर 12 से पहले पहले आपको ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। और उन्होंने कहा है हम अपनी 25th एनिवर्सरी, रॉकस्टार की जो 25th एनिवर्सरी है उस पे हम इसे रिलीज करेंगे। तो अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपको नहीं मिलेगा 25th एनिवर्सरी है, लेकिन आपको बता दूं कि 2018 में रॉकस्टार ने एनिवर्सरी अपनी 10 तारीख को मनाई थी, यानी कि 10 दिसंबर को मनाई थी। तो आपको उस दिन काफी हाई चांस है कि आपको 10 दिसंबर को ट्रेलर देखने को मिल सकता है। तो गाइस फाइनली GTA 6 रियलिटी में आने वाला है, और इसकी ट्रेलर जो कि आपको फर्स्ट ट्रेलर देखने को मिलने वाला है 10 दिसंबर को, और आगे आपको डेट भी रिवील कर देगा रॉकस्टार। एंड मैं आपको बता दूं कि GTA अभी नहीं आएगा, क्योंकि GTA आपको पता ही है कि ट्रेलर के बाद काफी देर लग जाती है। मेरे को लग रहा है कि 2026 के अर्ली में आ सकता है जो कि पूरा गेम आएगा। और पहले तो आपको पता ही है कि कंसोल एक्सक्लूसिव होता है, यानी कि आपको सोनी के प्लेस्टेशन और माइक्रोसॉफ्ट के प्लेस्टेशन में ही देखने को मिलेगा, एक्सबॉक्स और PS5 में आपको देखने को मिल सकता है। और मेरे को नहीं लगता कि PS4 के लिए आएगा ये, और जो कि नेक्स्ट जन कंसोल्स होंगे उन्हीं पर ये आपको देखने को मिलेगा GTA 6। और PC पे तो 1 साल बाद ही आता है, 1.5 साल बाद गेम जो कि पूरा होता है। तो इसलिए अभी तो अपने पास PC है, जब मैंने 3 साल पहले GTA 5 खेलना स्टार्ट किया था। एंड GTA हर किसी का खेलने का सपना होता है कि GTA 5 हम खेले वगैरह वगैरह, तो ऐसे ही मेरा भी सपना था जो हमने 3 साल पहले पूरा कर लिया था GTA 5। अब देखो कई लोग तो 10 साल से खेल रहे हैं उसे, हम 3 साल में ही, यानी कि ऑनलाइन तो है GTA बट वो इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि GTA जो स्टोरी मोड्स कंसेप्ट होते हैं वो हमारे इमोशन से जुड़े हैं। माइकल, ट्रेवर, ये वगैरह वगैरह, फ्रैंकलिन, सारे एकदम से इमोशंस है हमारे लिए, गेम हमारे लिए इमोशंस है, गेम लवर के लिए गेम इमोशंस होती है। तो इसलिए हमने कहा है और GTA 6 आपको देखने को मिले, उम्मीद करता हूँ जल्दी से जल्दी मिल जाए, 2025 में आना, मेरी बात तो यही है कि 2024 में ही आ जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं मेरे को लग रहा है, 2025 के एंड में या 2026 में ही आएगा। तो यही आपको बताना चाहता हूं मैं, और मैं भी काफी एक्साइटेड हूं इसके लिए। तो जल्दी तब तक अब इस तक आता है 2025 या 26 तक, तो तब तक हम कंसोल भी ले लेंगे सोनी का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 50-55 हज़ार का आता है तो कोई बात, तब तक हम ले सकते हैं, इतना तो बन ही जाएगा कि GTA को हम एक्सक्लूसिव खेल पाए और स्ट्रीम कर पाए अपने चैनल में। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लेना अपडेट के लिए, ट्विटर को भी फॉलो कर लेना मेरे, क्योंकि मैं ट्वीट्स करता रहता हूँ। बाय बाय।